मौजूद थी, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक उसकी डेड बॉडी हैंडओवर नहीं की गई। हम पे इतनी ज़्यादा उन्होंने यानी फोर्सेस हम पे ही तैनात कर दी थी कि मैं एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थी कि 3:30 बजे जब कनाडा की कनेक्टिंग फ्लाइट इस्तांबुल की पहुंची, हम 3 बजे वहां मौजूद थे, 4-5 लोग हम वहां थे और बाकियों को बाहर रोका गया था। उसके बाद मुसलसल उसकी फैमिली को भी थ्रेट्स थे कि आपने ये डेड बॉडी किसी को हैंड ओवर नहीं कर दी। उसके बाद उनको ये नहीं पता था कि हमें डेड बॉडी लेनी कहाँ से है। फॉर्मेलिटीज़ में उन 3 लोगों को, उसकी 2 बहनें और बहनोई, उनको कभी कहाँ भिजवाया जा रहा था, कभी कहाँ भिजवाया जा रहा था, और कहा गया था कि आप किसी से कांटेक्ट नहीं करेंगे। मैं वहाँ मौजूद 3 बजे से लेकर 7 बजे तक मुसलसल टर्मिनल 3, टर्मिनल 1, कार्गो, वेयर एवर ये लोग भागदौड़ में लगे रहे। बिल आखिर जब 7 बजे की फ़्लाइट थी तुर्बत की, उनको इंसिस्ट किया गया कि हम बाय एयर इसको भिजवा रहे हैं, क्योंकि मैं विटनेस थी, मैं मौजूद थी, मैं वहाँ पे खुद इस प्रोसेस को सारा मैं देख रही थी उनके, कि उन्होंने हम पे जितनी फोर्सेस लगाई थी। मैं एक ज़िम्मेदार, एक ऐवान की एक ज़िम्मेदार मैं फ़र्द हूँ यहाँ पर। उनको जिस तरह से उन्होंने ये सारा गेम किया 4 घंटे, उसके घर वालों को जिस तरह से, और हम भी उनके साथ, हमें अलग रखा गया, उन्हें अलग। बिल आखिर जब 7 बजे डेड बॉडी उन्हें हैंड ओवर की गई और 7 बजे की तुर्बत की फ़्लाइट थी, वो इंसिस्ट करते रहे, उसी रेजिस्टेंस में उन्होंने डेड बॉडी बाय एयर उन्होंने ट्रैवल नहीं किया। उसके बाद जब मैं रवाना हुई क्वेटा के लिए, बाय रोड ही रवाना हुई, मेरी अपनी मोबाइल की ये खींची हुई तस्वीर है जनाब स्पीकर, जो इस चीज़ की गवाह है, जो मैंने 8:48 पे हब पे खींची। तो मैंने दोस्तों को फ़ोन किया कि उसको बाय रोड और फोर्सेस की कस्टडी में जिस तरह उसको ले जाया जा रहा था, यहाँ तो मैयतों से लोग डरते हैं, तो जिंदा लोगों का हम क्या हाल करते हैं, इसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। फोर्सेस की कस्टडी में उसको ले जाया जा रहा था। दोस्तों को मैंने कहा कि वो अब आपको हैंड ओवर नहीं करेंगे, आप सबको इसी तरह एयरपोर्ट के इर्द गिर्द घुमाते रहेंगे। आम लोग भी जो आए थे अपने लोगों को रिसीव कर रहे, इवन उनको भी एंटर होने की, मुझे मेरा ये तिलस्माती कार्ड उस दिन काम आ गया, ये मैंने इसीलिए पीछे लगा दिया, इस कार्ड की वजह से मुझे एंट्री दी गई, अदरवाइज़ मुझे भी जाने नहीं दिया जा रहा था, किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा था। वो बंद ताबूत में एक मैयत थी, एक बलूचिस्तान की बेटी थी, जो इसके पीछे बैकग्राउंड में जो लोग हैं वो आज ये जान ले कि बलूचिस्तान की अगर बेटी थी, बहादुर बेटी थी, इसने मर के भी मुकाबला किया, लेकिन जिनकी वजह से वो यहाँ से गई है, शायद वो जिंदा है भी तो इसी तरह मुकाबला, शायद दोबारा जो वहाँ बैठे हैं, जिसके पसे पर्दा, जिनकी वजह से ये वहाँ गई थी, वो शायद दोबारा अपनी सरजमीन पे नहीं आ सकेंगे। अपनी सरजमीन पे इसको खराज तहसीन अदा किया गया, हर ज़ीरू, हर वो ज़र्रा जो बलूचिस्तानी है, जो एक जिद्दा कौम है, वो बलूचिस्तानी ना भी हो, उसने भी उसको खराज तहसीन पेश किया। ख़वातीन, औरतें, बच्चे, आज पूरे बलूचिस्तान में उसका गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ा जा रहा है, ये सब के सामने है। शायद वो लोग जिनकी वजह से ये गए हैं, वो जो है ना, मेरे ख्याल इस काबिल नहीं होंगे कि उनके नमाज जनाजा में चंद लोगों के अलावा कोई हो। थ्रेट दिए गए जनाब स्पीकर साहब, इनकी सिस्टर को भी, ये तमाम प्रोसेस हुआ। उसके बाद कुछ दोस्त तुर्बत की तरफ जाने लगे तो उनको भी वहाँ रोका गया, और उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे ना मोबाइल सर्विस है, ना कुछ है, खुदारा हम जिंदा हैं, लोग हैं, तो अगर एक मैयत से उनको डर लगता है तो हम तो जिंदा हैं। यहाँ मैं बैठी कराची में, मेरे घर के ताले तोड़े गए, इसी आपके MPA लॉजेज में मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, ले जाया तो कुछ नहीं गया, लेकिन ताले तोड़े गए, एविडेंसेस कुछ नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ अपने तायर शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने फौरी तौर पर एक एक्शन ले लिया, और मुझसे कहीं पार्टी के कई लोगों ने इस पर मुझसे, मेरी पार्टी BNPN, उन्होंने मुझसे उसी वक्त कांटेक्ट किया। इसके अलावा मेरे साथ सेनेटर साहिबान, स्पेशली आई थिंक मिस रुबीना इरफान ने, मैडम परी गुल आगा ने, इन सब ने मुझसे टेलीफोनिक रब्ता किया, मोहम्मद खान लेडी साहब ने स्पेशली रब्ता किया, और ज़िया लांगा विद हिज फैमिली, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। लेकिन रिजल्ट मुझे पता है कि एक मैयत से लोग इतने डरे, हम तो जिंदा है, हमें तो ये मार के भी चले जाए तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन खुदारा एक जिंदा कौम है,
कम से कम इस चीज को हम देखें कि एक मैयत के साथ अगर हम ये कर सकते तो जिंदा लोगों के साथ भी हम क्या कुछ नहीं कर सकते। शुक्रिया।